हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं, बनाएंगे नहीं, आज हम लोग माइन करने वाले हैं एशियन डेब्रिस नेदर में जाके। तो इसके लिए 1.17 में तो गन पाउडर फार्म काम नहीं करता, जिसके लिए हम लोग TNT नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग बेड ले जाके नेदर में ब्लास्ट करवाएंगे ताकि एशियन डेब्रिस आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए एक स्टैक मैंने वुड ले लिया और 3 स्टैक पूल ले लिया ताकि बेड आसानी से बनाया जाए। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा लोकेशन ढूंढ लें। यहाँ पे मैं पहले भी माइन कर चुका हूँ, इसलिए इस साइड में नहीं माइन करूँगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से दूर जाऊँगा। तो चलते हैं। ये हम लोग रेल बिछा कर रखे हैं नेदर फोर्ट्रेस के तक। अगला वीडियो नेदर फोर्ट्रेस में किस तरीके से विदर स्केलेटन स्कल ढूंढे, इसके ऊपर वीडियो आने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास जाए। तो सबसे पहले मैं अच्छा से लोकेशन ढूंढ ले रहा हूँ, इधर तो नहीं होगा, यहाँ पर देखता हूँ मैं, यहीं से डिग करना चालू कर देता हूँ। मुझे Y16 पर जाना है। मैं फुल ब्राइटनेस कर ले रहा हूँ ताकि सारे चीज़ अच्छे से नज़र आ जाए। तो मैं स्पीड में काम कर ले रहा हूँ। यहाँ पे नेट इतना प्रॉब्लम कर रहा ताकि एक भी ब्लॉक स्पीड में नहीं टूट रहा। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको एक बार में 16 पे जाकर दिखा दे रहा हूँ। मैं 16 पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे ये 17, यहाँ से मैं माइनिंग स्टार्ट करूँगा, स्ट्रिप माइनिंग। तो यहाँ से मैं पहले स्ट्रिप माइनिंग बहुत दूर तक ले जाता हूँ, उसके बाद उधर से बेड बजाते बजाते आऊँगा। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम ना बर्बाद हो, मेरा भी टाइम ना बर्बाद हो। ये मैं अपना SMP में खेल रहा हूँ, इसमें मैं और मेरा 2 फ्रेंड मिलके SMP बनाए हैं, टोटल 3 जन, तो इसलिए सारे मिलके ये खेलते हैं हम लोग। कम से कम 3-4 मिनट माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे एक एशियन डेब्रिस दिखा था। मैं अच्छा से यहाँ पे माइन कर रहा था ताकि आगे से लावा ना जाए, एकदम बच के माइन कर रहा था मैं, तभी मुझे एक एशियन डेब्रिस मिला, जिसे मैं ले लेता हूँ। देख ले रहा हूँ मिला कि नहीं। हाँ, मिल गया। तो यहाँ पे आसपास और हो सकता है, इसलिए आसपास देखिए और एक मिल गया। जब भी एक आपको मिले उसके आसपास पूरा खोद डालें ताकि और हो सके तो मिल जाए, होगा तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ अब नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। मैं फिर से वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम ना बर्बाद हो।
फिर से 3-4 मिनट माइंड करने के बाद मुझे फिर 2 एशियन डेविस मिला। देख लीजिए मैं इसे भी माइंड कर ले रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल 3 हो गया और ये ऊपर में वाला 4 हो जाएगा। इसके आसपास भी खोद डालता हूँ मैं ताकि और रहे तो मिल जाए। तो ये रहा मिला एक और, तो ये मैं ले लेता हूँ और टोटल मेरे पास 5 हो चुके हैं। अब मैं आगे फिर से स्ट्रिप माइनिंग चालू रखता हूँ। यहाँ पे और एक एशियन डेविस मिल चुका है, इसके आसपास भी मैं खोद डालता हूँ ताकि और रहे तो और मिले। देखिए और एक मिल चुका है, इसे भी मैं माइंड कर लेता हूँ। मेरे पास टोटल 7 हो चुके हैं और मैं आगे फिर से स्ट्रिप माइनिंग के लिए चालू रखता हूँ। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो और मुझे भी बहुत टाइम हो चुका है। मुझे माइनिंग करते करते करीब 15 या 20 मिनट हो चुका है, इतना में मुझे 7 मिल चुका है। तो अगर बेड बजाएंगे तो और 10 मिनट में और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप देखते रहिए ये लावा कहाँ से आ गया। फिर लावा को मैं बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद आराम से माइनिंग करते हैं। बस इतने दूरी माइनिंग मेरा बहुत अच्छा। ये क्या हो गया, सर्वर डिस्कनेक्ट हो चुका है, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है इधर। मैं फिर से आ चुका और मैं इससे ज़्यादा और माइंड नहीं करूँगा। तो मैं जहाँ से स्टार्ट किया था मैं फिर से वहीं पे चला जा रहा हूँ। ये क्या था, वो मुझे रास्ते में फिर से एक एशियन डेविस दिख गया। मैंने पहले इसको देखा नहीं था, ये एक नहीं यहाँ पे 3 है, तो मैंने 3 को भी ले लिया। मैं मेरे टोटल 10 हो चुके हैं और देखता हूँ बेड बजाने से कितना मिलता है। तो मैं सबसे पहले जहाँ से शुरुआत किया था मैं वहाँ पर चला जा रहा हूँ जल्दी से। देखिए आप ही देखिए कितना दूर मैं माइन किया था। अब जाके ख़त्म हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल और एक चेस्ट बना के रख देता हूँ, मेरे महंगा सामान वहाँ पे रहेंगे। मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऊट ले लेता हूँ और चेस्ट बनवा लेता हूँ। चेस्ट में मैं सब अच्छा अच्छा सामान में रख देता हूँ। सारे नेदर रैक और लावा मैग्मा ब्लॉक रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग टेबल के थ्रू बेड, बहुत सारा बेड बना लेता हूँ। मैं 21 बेड बना चुका, शायद से 21 मैं और बना लेता हूँ। मैंने और 3, 5 या 6 बना लिया, उसके बाद जा रहा हूँ बजाने। फिर से मुझे एंड में जाना पड़ेगा। ये जावा एडिशन का जैसा नहीं है, यहाँ पे अगर क्रीपर फार्म काम करता तो मैं क्रीपर फार्म भी बनाता। मैं आ चुका हूँ एंड में और इसके बाद बेड बजाना चालू करते। पहले सबसे पहले मैं बेड ले लेता हूँ सामने में और एक स्टेक स्टोन रख देता हूँ नेदर एक्स।
देखिए मैंने पहला बेड बजाया और मैं मुझे हल्का सा डैमेज हुआ, बट यहाँ पे किसी डेब्रिज भी नहीं मिला। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे गोल्ड बहुत सारा है, ये मैं बाद में माइन कर लूँगा। तब दूसरा बेड बजाता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है या नहीं। ये क्या स्पॉन हो चुका है यहाँ पे, बैठो तुम लोग। मैं दो बेड फिर से बजाऊंगा, फिर से बेड बजाया, देखता हूँ मुझे कुछ मिला या नहीं। मैं बीच में जाकर देखता हूँ मुझे कुछ मिला, मतलब यहाँ पे एक बेड तीन TNT के बराबर होता है एक बेड। तो आप यहाँ पे एक बेड बजाओ, 3 TNT के बराबर होता है, ब्लास्ट करता है। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं मिला, मैं और एक बेड बजा देता हूँ। मुझे हल्का सा डैमेज हो रहा बस, बट इससे कुछ नहीं होगा। अभी देखिए एक एशियन डेब्रिस फिर से मुझे मिल चुका है। पहले मैं लावा बंद कर दे रहा हूँ, मतलब 20 टू 30 मिनट में मुझे देखिए कितना सारा एशियन डेब्रिस मिल चुका है। आगे और मिलेंगे अभी, तो मैं इसे भी माइन कर लेता हूँ। तो मेरा फर्स्ट हो चुका है, इसके आसपास मैंने और देखिए और एक मिल चुका है। देखिए गाइस मुझे फिर से मिल चुका है, मैं और एक बेड बजाने वाला हूँ यहाँ पे। ये नेट का ग्लिच के वजह से ऐसे हो गया। तो मुझे ये आग बुझाने दीजिए, उसके बाद आगे पीछे मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है एशियन डेब्रिस। इस तरफ तो नहीं है, और एक बेड बजाना पड़ेगा। और एक बेड लेकर बजा दिया मैंने, मुझे एक यहाँ से दो दिखा, तो मैं लेने जा रहा हूँ। ये पहले लावा मैं बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं रास्ता बना के एकदम अच्छा से एशियन डेब्रिस को माइन कर लूँगा। इसके आसपास मैं चेक कर लेता हूँ और है या नहीं। नहीं शायद यहाँ पे एक ही तो था, तो मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा और फिर से एक बेड बजाऊँगा। तो मैं और एक बेड ले लेता हूँ, चलिए इसको मैं मार देता हूँ। यहाँ पे बेड कुछ लगाएंगे और बजा देंगे। पहले तो ये आग बुझाने दीजिए, उसके बाद आगे जाकर एशियन डेब्रिस ढूंढ लेंगे। शायद यहाँ पे एक भी एशियन डेब्रिस नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब तक मेरे पास 3 हो चुके, नहीं एक है, एक मुझे मिला, नहीं यहाँ पे 2 है। मैं दोनों माइन कर लेता हूँ और इसके आसपास मैं और खोद के देखता हूँ, मुझे मिले तो और बढ़िया, शायद से और नहीं है यहाँ पे। तो मुझे वापस चलना चाहिए और फिर से बेड बजाना पड़ेगा। ये स्लाइम सब भी ना बहुत माथा ख़राब करते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक बेड लगा दिया, बजा दिया, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही सामने बजा दिया, इसलिए मुझे शायद से नहीं मिला एक। मैं वहाँ तक जाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कितना है वहाँ पर। सबसे पहले ये आग बुझा लेता वरना बाद में मुझे ही प्रॉब्लम करेगा। नहीं यहाँ पे 2 है शायद से, हाँ 2। तो मैं ये दोनों को मैं माइन कर लेता हूँ, उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा। मैं बेड को बजाते जाऊँगा और एशियन डेब्रिस मिलते जाएगा। तो देखिए आपको मेरे को 7 एशियन डेब्रिस मिल चुका है, और मैं बेड को आगे रख के यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेड को बजा दूँ। ये नहीं हुआ, हाँ ये फट गया।
यहाँ पे मुझे एशियन डेब्रिज में देखना, यहाँ पे एक भी एशियन डेब्रिज नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। और बहुत सारा बेड है, जितना दूर तक हो सके मैं उतना दूर तक बेड बजाऊंगा। ये कर गया, तो मैं पहले ये आग बुझाते रहा हूँ, उसके बाद आगे जाकर चेक कर रहा हूँ कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखता हूँ भाई हाइस्ट मुझे कितना मिलता है, ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, बहुत देरी हो गया। यहाँ पे भी शायद नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो मैं और एक बेड बजा चुका, ये मैं नीचे गिर गया। ये इसमें बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम से ग्लिच होता है बहुत। मैं और एक बेड बजा चुका और मैं आग पे ही खड़ा हूँ। शायद ये आग मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे आर्मर बहुत तगड़े हैं, सारे में प्रोटेक्शन 4 लगे हुए हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पे भी मुझे एक भी एशियन डेब्रिज शायद से नहीं मिला, नहीं मिला, तो मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा। मैंने और एक बेड बजाया और देखता हूँ यहाँ पे मिलता है क्या, नहीं यहाँ पे है। पहले मैं ये लावा बंद कर देता हूँ, उसके बाद शायद से यहाँ पे भी नहीं है, मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा। मैं पहले अच्छे से चेक कर लेता हूँ, नहीं है। मुझे 10 तो रास्ते में ही मिल चुका था, और यहाँ पे देखता हूँ कितना मिलता, और एक मिल चुका है। ये यहाँ से एक दिख गया, तो मैं पहले उसको लेने जा रहा हूँ। ये मैं पहले नीचे का लावा सारे बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं माइन करूँगा एशियन डेब्रिज। ये मुझे एक मिल चुका है, इसके आसपास देख लेता हूँ मैं कि और है या नहीं, और शायद से नहीं होगा, मुझे जितना तक पता है नहीं है यहाँ पे। तो फिर से मुझे पीछे जाना पड़ेगा और फिर से बेड बजाना पड़ेगा। तो मैं और एक यहाँ पे बेड लगा देता हूँ, बजा देता हूँ बेड। ये TNT से 10-3 गुना ज़्यादा काम करता है। ये अभी मैं लावा में चला जाता हूँ, क्या किस्मत, ये नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है। पहले मैं इस लावा को ही बंद कर देता हूँ, रुकिए एक मिनट, और ये लावा बंद, और मैं एशियन डेब्रिज फिर से ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे शायद से नहीं है, तो मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मुझे 8 मिल चुका है, इससे 2 इंगट तो हो जाएगा एटलीस्ट, और उधर मेरा 10 पड़े हुए हैं। तो मैं पहले ये लावा को बंद कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ दिखाई देता है या नहीं। नहीं, यहाँ पे भी शायद से नहीं है। इसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अभी बहुत सारे बेड हैं, मैं सब बेड बजा दूंगा। मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी नेदरराइट का सारे सामान है। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे नेदर में माइन करने आया हूँ। यहाँ पे भी एक भी एशियन डेब्रिज नहीं मिला, तो गाइस इसके बाद मेरा खुद से ये बंद हो चुका था, मेरे मेमोरी फुल हो गया था, मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया था, मैंने नोटिस नहीं किया था। मुझे वहाँ पे से 3 और मिला था, मतलब 3 ना 2 ऐसे ही मिला, तो मेरा वहाँ पे 10 हो गया था। पहले मेरे पास 10 था, तो 20 हो चुका। मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर पे, तो इसके लिए सॉरी गाइस, मेमोरी फुल हो जाने के लिए वीडियो नहीं बन पाया पूरा। तो मैं पहले इसको मार दे रहा हूँ, स्केलेटन को।
यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन है, सबको मैं मार दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना नेदर पोर्टल के सामने में मैं आ गया हूँ। मैं अपना घर जाके आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा घर मैं किस तरीके से बनाया हूँ, और मेरे दोस्तों का घर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहले खाना खा लेता हूँ। यह है मेरा फ्रेंड का घर और ये मेरा घर, और एक मेरा फ्रेंड का घर है वो है इस साइड में, ये वाला। और ये मेरे सामने में एक बीकन, और इधर मेरा कुछ फार्म्स है, और ये ट्रेडिंग हॉल था सामने में। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्यूचर में और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें। ये मेरे घर में ज़ॉम्बी क्या कर रहे हैं। तो गाइस, आपको किस तरीके से वीडियो देखना पसंद है वो आप मुझे कमेंट करें, ताकि अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आए। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं ये फर्नेस में दे देता हूँ। बाय बाय।